एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट 4.1 का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि उसमें हमने रेशियो और प्रोपोर्शन को समझा था। तो आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखा होगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही इजी है। क्या करना है, देखो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। यानी कि यहाँ पे देखो आपको क्या दिखेगी, पेयर्स ऑफ नंबर्स दिखेगी, यानी कि नंबर्स की जोड़ी दिखेगी। ओके, नंबर्स की जोड़ी दिखेगी और हमको क्या फाइंड करना है, हमको रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है। हमको किसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है, तो हमको रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, रेशियो लेना है। ठीक है, किसका रेशियो लेना है, फर्स्ट नंबर का रेशियो लेना है सेकेंड नंबर के साथ। इसका मतलब देखो, यहाँ पे रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वो सब हमने देखा है। तो यहाँ पे देखो इसका सल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे हमको रेशियो लेना है। तो रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ओके, अब हमको किसका रेशियो लेना है, हमको फर्स्ट नंबर का रेशियो लेना है सेकेंड नंबर से। इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आएगा, हमारा फर्स्ट नंबर आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा सेकेंड नंबर आएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। ठीक है, अभी हमको इसका क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है। रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है मतलब क्या, कि इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक ये और आगे रिड्यूस नहीं हो जाते। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करके रिड्यूस फॉर्म में लेके आओ। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं ना, ये आप रफली भी कर सकते हो। रफली क्या करोगे आप लोग, देखो ये 72 अपॉन 60 है। ओके, अब इसको क्या करो, डिवाइड करो, और तब तक डिवाइड करना जब तक ये फर्दर डिवाइड नहीं हो जाते। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। ओके, आप कोई बड़ा नंबर भी ले सकते हो जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, ये दोनों नंबर्स आते हैं। जैसे कि हम लोग छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, दैट इज 2 3 6 एंड 2 0 0। वैसे यहाँ पे क्या होगा, 2 3 6 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 6 12। वैसे देखो यहाँ पे 36 है और यहाँ पे 30 है, ये और फर्दर रिड्यूस हो गए है ना, और फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। तो तब तक डिवाइड करना है जब तक ये अपने रिड्यूस फॉर्म में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो अगेन ये दोनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। या फिर आप कोई बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि आपको शायद याद आ रहा होगा कि ये दोनों जो हमारे नंबर्स है वो 6 के टेबल में आते हैं, है ना। वी नो दैट कि 6 5 30 और 6 6 36। तो यानी कि अब हमारे पास नंबर क्या है, देखो 6 और 5 है। अब 6 और 5 जो है वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, यानी कि इनका जो रिड्यूस फॉर्म है वो क्या है, 6/5 है। क्या है, 6/5 है। अब देखो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, या फिर बहुत स्कूल में कुछ अलग वे दिया है, वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये 72 को क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कि ये जो 72 और 60 जो है वो 12 के टेबल में आते हैं, है ना। 12 के टेबल में आते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो 12 6 72 और 12 5 60। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 72 के जगह पे लिख सकते हैं 12 6 72, और यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 5 60। तो अब क्या होगा, ये 12 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा 6/5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रफली आप क्या करो, इसको डिवाइड करते जाओ जब तक आपको ऐसे नंबर्स नहीं मिल जाते जो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, तब तक आप डिवाइड करते जाना, और लास्ट में आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, ये भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, पूरा कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि देखो सेकेंड वन करते हैं, हमको क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म निकालना है किसका, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो हम लोग रेशियो लिख देते हैं, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। ठीक है, अभी इसका रिड्यूस फॉर्म हमको फाइंड करना है।
तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो है वो कौन से टेबल में आते हैं, याद करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, अगर आप ऐसे करने जाओगे तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 38 है और नीचे है 57। अगर आप लोग ऐसे देखने जाओगे तो देखो ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते हैं, है ना, ये 2 के टेबल में आता है लेकिन 57 2 के टेबल में नहीं आएगा। फिर 3 के टेबल में ये आएगा लेकिन ये नहीं आएगा। ओके, 4 के टेबल में तो दोनों नहीं आएंगे। उसके बाद तो फिर अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये जो है ना 19 के टेबल में जाएंगे ये दोनों, 19 के टेबल में। तो अगर आप लोग 19 टूजा करोगे तो आपको 38 मिलेगा और 19 थ्रीजा होगा 57। ओके, तो ये हो गया हमारा रिड्यूस फॉर्म, दैट इज 2/3। जो 2/3 है वो क्या होगा, हमारा रिड्यूस फॉर्म होगा ये रेशियो का। ओके, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ऐसे भी लिख सकते हो, अब ऐसे यहाँ पे लिखो, दैट इज 19 × 2, आप लोग कर सकते हो। 19 टू जा देखो 38 होगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। ओके, वैसे आप लोग 19 3 जा कर लो तो 3 9 जा 27, 3 प्लस 2 5। ओके, तो यानी कि अब यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 19 × 2 और 57 के जगह पे लिख सकते हैं 19 × 3। तो अब ये 19 ये 19 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। यानी कि ये जो हमारा रेशियो है इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो क्या है, ये है। ओके, ये इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। वैसे ये जो हमारा रेशियो है इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो क्या है, ये है, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं, तो हमको रिड्यूस फॉर्म निकालना है किसका, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो ये दोनों कौन से टेबल में आएंगे, तो अभी अगर आपको छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करना है तो ऐसा कर सकते हो, आप लोग ऐसा कर सकते हो, जैसे कि इसको थोड़ा सा बाजू में लिखते हैं, यहाँ पे ये रफ वर्क करो, हाँ ये रफली करने का, ये रफली करते जाओ, या अगर आप लोग दिखा भी दोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये रफ रफ में करना। जैसे कि ये दोनों देखो 2 के टेबल में जाते हैं, बरोबर, दैट इज 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, बरोबर। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, 2 2 4, 1 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 12। ओके, उसके बाद ये दोनों कौन से टेबल में जाएगी, याद है आपको, 13 के टेबल में। 13 देखो, 13 आई थिंक 13 थ्री जा होगा 39 और 13 टू जा होगा 26, है ना। यहाँ पे देख लो, 13 थ्री जा होगा हमारा 39 और 13 टू जा होगा हमारा 26। तो यानी कि हमारा रिड्यूस फॉर्म जो है वो है 2/3। क्या है हमारा रिड्यूस फॉर्म, 2/3। ओके, क्लियर है, वरना आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 26, देखो ये दोनों अगर देखा जाए तो 26 के टेबल में जाते हैं। 26 टू जा करोगे, बड़ा नंबर, डायरेक्टली बड़ा नंबर बता रही हूँ आपको, जिसके टेबल में ये दोनों जाते हैं वो है 26, दैट इज 26 टू जा करोगे तो आपको मिलेगा 52 मिलेगा, बरोबर। और 26 थ्री जा करना, दैट इज 18 और यहाँ पे 3 2 6 प्लस 1 7, यानी कि देखो 26, तो ऐसे लिख दो, ऐसे 26 × 2, है ना, 52 के जगह पे 26 × 2 लिखेंगे और यहाँ पे 78 के जगह पे 26 × 3 लिखेंगे। उसके बाद ये 26 ये 26 कैंसिल और ये हो जाएगा 2/3 विल बी अवर आंसर। तो ये जो हमारा रेशियो है इसका रिड्यूस फॉर्म क्या है, ये है, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो आपको ऐसा बॉक्स नहीं बनाना है, वो बॉक्स मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए रहेंगे और फिर बोला, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वो जो दो नंबर्स है उनके रेशियो का रिड्यूस फॉर्म निकालो, तो आप आई थिंक अभी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, बस डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते जाओ जब तक वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो जाते, ठीक है। जैसे कि देखो 2/3 फर्दर नहीं डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 2 और 3 कोई भी एक टेबल में नहीं आते, तो ये रिड्यूस फॉर्म है। वैसे ही यहाँ पे भी 2/3 आया हमारा आंसर, यहाँ पे 6/5 आया। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोग रेशियो ले रहे थे उसका कोई यूनिट नहीं था। ओके, वो सिंपल नंबर्स थे, यानी कि उनका कोई यूनिट नहीं था,
लेकिन क्वेश्चन नंबर टू में आप अगर आप लोग देखोगे तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन और टू, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में जो नंबर्स लिए हैं उसका क्या है, यूनिट दिया है, यानी कि जैसे कि ये दोनों नंबर्स क्या है, सॉरी ये दोनों जो नंबर्स है इनका जो यूनिट है वो क्या है, रुपीज है, यानी कि ये दोनों नंबर्स रुपीज में है। वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ये दोनों जो नंबर्स है ये नंबर्स रुपीज में है, रुपी में है, और यहाँ पे ये जो नंबर है वो रुपी और पैसे में है। ओके, तो यहाँ पे यूनिट मेंशन किया है, जैसे कि यहाँ पे ये नंबर लीटर में है और ये नंबर मिलीलीटर में है, तो यहाँ पे यूनिट को मेंशन किया है। तो जैसे कि मैंने आपको बेसिक वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग दो नंबर्स का रेशियो ले रहे हैं तो वो दोनों नंबर्स का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम उनको रेशियो में नहीं लिख सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, फाइंड द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर वन था वैसा ही हमारा सेम ये क्वेश्चन नंबर टू है। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे किसका रेशियो लेना है, हमको रेशियो लेना है। यहाँ पे देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रेशियो लेना है। रेशियो किसका लेना है, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, यानी कि ऊपर क्या आएगा हमारा फर्स्ट क्वांटिटी आएगा, नीचे क्या आएगा हमारा सेकेंड क्वांटिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम जो दो क्वांटिटीज है उसको रेशियो में तब ही लिख सकते हैं जब उनका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन में ये दोनों जो क्वांटिटी है उनका यूनिट क्या है, सेम है, दैट इज रुपीज है। तो यानी कि हम ये दोनों को रेशियो में बिंदास लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारा 700 रुपी और नीचे आ जाएगा हमारा 308 रुपीज। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो ये जो हमारा यूनिट है दैट इज रुपीज रुपीज, ये कैंसल आउट हो जाता है, यानी कि जो हमको रेशियो मिलता है वो मिलता है 700 अपॉन 308। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। रेशियो जो है ना वो देखो यूनिटलेस है। यूनिटलेस क्यों है, क्योंकि ये देखो ये जो यूनिट है उनका कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो रेशियो है वो क्या है, यूनिटलेस है, उसका कोई यूनिट नहीं है, दिस इज यूनिटलेस। ओके, समझ में आया। ओके, तो अगर आप लोग ये रुपी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ कि दो क्वांटिटीज को हम लोग रेशियो में तब ही लिख सकते हैं जब उनका यूनिट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम है, इसका मतलब हम ये इनको बिंदास रेशियो में लिख सकते हैं। और अगर आपने ये जो यूनिट है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट इज यहाँ पे जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 700 अपॉन 308। अब हमको ये रेशियो का क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म फाइंड करना है। अब रिड्यूस फॉर्म कैसे निकालोगे वो तो मैंने आपको बताया ही है ना। क्या करोगे, अभी इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करते रहो, जैसे कि ये 700 है और नीचे है हमारा 308, तो ये दोनों जाएंगे 2 के टेबल में, बरोबर। यहाँ पे 2 वन जा 2, 1 बचेगा 2 फाइव जा 10, फिर 2 फोर जा 8, यहाँ पे 2 थ्री जा 6, 1 बचेगा 2 फाइव जा 10 और 2 जीरो जा 0। ओके, अगेन ये 2 के टेबल में जाएंगे, दैट इज 2 सेवन जा 14, 1 बचेगा 2 सेवन जा 14, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा 2 वन जा 2, 2 सेवन जा 14, 1 बचेगा 2 फाइव जा 10। ठीक है, तो अभी 175 है और यहाँ पे 77 है, तो अभी ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, कौन से टेबल में जाएंगे, तो यहाँ पे आई थिंक 7 के टेबल में शायद जा सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे 7 11 सा 77 हो जाएगा और यहाँ पे 7 2 सा हो जाएगा 14, 15 16 17, हाँ 3 बचा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 7 5 35, तो 25 अपॉन 11 बचा, यानी कि इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो है 25 अपॉन 11। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड डिवाइड करते जाओ तो आपको रिड्यूस फॉर्म मिल जाएगा, दैट इज 25 अपॉन 11। 25 अपॉन 11 जो है मतलब 25 और 11 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट में क्या किया, 7 के टेबल में मैंने सिर्फ इसको देखा था कि 77 तो या तो 11 के टेबल में जाएगा या 7 के टेबल में जाएगा, तो वही थोड़ा सा दिमाग लगाया,
और मैंने 7 से कैंसिल आउट करना चालू किया, लेट सी ना क्या होता है। तो अच्छा हुआ कि दोनों ही 7 के टेबल में चले गए, ठीक है। तो 7 11 जा 77, फिर यहाँ पे होगा 7 2 जा 14, 3 बचेगा तो 35 है, तो 7 5 जा 35 ऐसे, ठीक है। तो ये रिड्यूस फॉर्म है, बस आपको इतना ही लिखना है। अगर आप ये दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, वरना ये रफ वर्क करना, ये रफ वर्क करना, ये इसका रिड्यूस फॉर्म है। चलो अभी सेकेंड वन आ जाते हैं, हमारा यहाँ पे सेकेंड वन। तो सेकेंड वन में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो हमारे क्वांटिटीज है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकेंड क्वांटिटी है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो रुपी में है, यानी कि रुपीज में है ना, कंप्लीटली रुपीज में है। और ये जो हमारी सेकेंड क्वांटिटी है वो रुपीज और पैसे में है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, या तो कंप्लीटली रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर कंप्लीटली पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों जो क्वांटिटीज है उनको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमको देखो कन्वर्जन पता है, हमको क्या पता है कि 1 रुपीज जो होता है, यानी कि 1 रुपी जो होता है, यहाँ पे ऐसा वाला लिख देती हूँ, 1 रुपी जो होता है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 100 पैसे, है ना। ये सबको पता है, ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये जो कन्वर्जन है वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, दैट इज 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। वैसे ही यहाँ पे आएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये सब यहाँ पे काम आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्वांटिटीज को कंप्लीटली रुपी में, सॉरी, ये दोनों क्वांटिटीज को कंप्लीटली पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वी नो दैट कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, तो यानी कि वी कैन से कि 14 रुपी जो होगा, 14 रुपीज जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 1400 पैसे। ओके, यहाँ पे ये कन्वर्जन समझ में आया कि नहीं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो 1 रुपी मतलब क्या, 100 पैसे, तो वैसे ही 14 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मच पैसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समझाती हूँ आपको, यहाँ पे क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 14 करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 14 करो, तो 14 × 1 हो जाएगा 14 रुपीज, और यहाँ पे 14 × 100 करेंगे, 14 × 100 दैट इज 1400 पैसे। तो यानी कि 14 रुपीज इज इक्वल टू 1400 पैसे। ओके, तो ये रुपीज को हमने पैसे में कंप्लीटली, देखो पैसे में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही इसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 12 रुपीज और 40 पैसे है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, अभी ये 12 रुपीज को हम लोग क्या करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 × 100, ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ताकि ये पैसे में कन्वर्ट हो जाए, तो 12 × 100 ये पैसे में हो गया। और प्लस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस हमारे पास ऑलरेडी 40 पैसे और थे, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस हम लोग क्या बोलेंगे, 40 पैसे। अब देखो ध्यान से समझना, ये 12 रुपीज जो है उसको हम लोग ने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, कैसे कन्वर्ट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 40 पैसे तो ऑलरेडी था, तो उसको अभी हम उसमें ऐड कर देंगे, दैट इज प्लस 40 पैसे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो 12 × 100 होगा 1200 पैसे और प्लस यहाँ पे 40 पैसे। ओके, तो 1200 प्लस 40 होगा 1240, और दोनों पैसे में है तो फाइनल आंसर भी पैसे में आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 12 रुपीज 40 पैसे इज इक्वल टू व्हाट, 1240 पैसे, ठीक है। तो ये देखो हमने ये जो 14 रुपीज था इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो हमारे पास 12 रुपीज और 40 पैसे था इसको भी हमने पैसे में टोटली कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब आपको दिखाना है एग्जाम में, ये भी आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्जन पता होने चाहिए, ये बहुत काम आएंगे। तो अभी देखो दोनों को हमने पैसे पैसे में कन्वर्ट कर दिया, अब इसका रेशियो लेंगे और फिर इसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारा 1400 और सेकेंड क्वांटिटी है हमारा 1240। अब इसका रिड्यूस फॉर्म फाइंड करते हैं। चलो तो ये जीरो कैंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर है हमारा, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे 140
और नीचे है हमारा 124, तो इसको डिवाइड करते रहो, आप लोग डिवाइड करते रहना, ठीक है। तो हम लोग कोई बड़ा नंबर ही लेते हैं जिससे हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4 ले लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे नंबर में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो 4 ले लेते हैं, जैसे कि 4 3 12, 4 1 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी कि आंसर आ गया 35/31। अब देखो 35 और 31 और फर्दर रिड्यूस नहीं होंगे, है ना, तो यानी कि हमारा इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो हमको मिला है 35/31, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 × 35 जा होगा 140 और 431 जा होगा 124, तो यानी कि ये 4 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा 35/31, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में लाना है, उसके बाद ही उसका रेशियो लेके रिड्यूस फॉर्म फाइंड करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट सेम था, यहाँ पे यूनिट सेम नहीं था, एक रुपी में था, एक कंप्लीटली रुपीज में था, दूसरा रुपीज और पैसे में था, ऐसा नहीं चलता है। या तो ये दोनों को कंप्लीटली रुपीज में करो या फिर ये दोनों को कंप्लीटली पैसे में करो, तो पैसे वाला ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो दोनों थे इनको कंप्लीटली पैसे में कन्वर्ट कर दिया, ओके, समझ में आया। चलो अब हम करते हैं थर्ड वन। देखो तुम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है वो लीटर में है, सेकेंड क्वांटिटी मिलीलीटर में है, तो अब हम इनका रेशियो नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। कोई बच्चे अगर ऐसे लिखोगे ना आप लोग 5/2500, अगर ऐसे तुम लोगों ने रेशियो ले लिया तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि रेशियो हमेशा हम लोग ऐसे क्वांटिटीज का लेते हैं जो क्या होते हैं, सेम यूनिट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेशियो क्या है, एक यूनिटलेस एक्सप्रेशन है। तो हम लोग को ये दोनों जो यूनिट है वो सॉरी हाँ ये जो दोनों सॉरी ये दोनों जो क्वांटिटीज है वो सेम यूनिट में होने चाहिए, तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, सेम यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एज यू ऑल नो कि जो 1 लीटर होता है दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये वाला हम लोग कन्वर्जन यूज करेंगे, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, तो वी कैन से कि 5 लीटर क्या हो जाएगा, 5 लीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1000 यानी कि 5000 मिलीलीटर, ओके, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे देखो ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया है, ये तो ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में था, तो अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशियो लेंगे। तो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी ये है और सेकेंड क्वांटिटी ये है, ठीक है, तो इसका रेशियो लेते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारी 5000 और सेकेंड क्वांटिटी है 2500। अब यहाँ पे देखो ये दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे तुम लोग जैसे कि देख सकते हो 25 1 25 2 50, यानी कि 2/1 इज अवर आंसर, ये इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया, ठीक है, 2/1 इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस, समझ में आया। हमने क्या किया, 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी, ये सेकेंड क्वांटिटी, देखो दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, तो अब हम इनको रेशियो में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2500 ऊपर मत लिखना और ये 5000 नीचे मत लिखना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसका लेना है, फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी, इसका मतलब फर्स्ट क्वांटिटी ऊपर होना चाहिए और सेकेंड क्वांटिटी नीचे होना चाहिए, ये छोटे छोटे बातों का ख्याल रखना, ओके। चलो तो ये थर्ड वन भी हो गया, अभी हम करते हैं 4th, 5th and 6th, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं 4th वन। तो यहाँ पे देखो 4th वन जो हमारे दो क्वांटिटीज है वो क्या है, 3 years 4 months, 5 years 8 months, ठीक है। हमको क्या करना है, रिड्यूस फॉर्म निकालना है, किसका, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग ये दोनों जो हमारे क्वांटिटीज है इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो इनका जो यूनिट है वो क्या है, ईयर्स मंथ है, यानी कि 2 यूनिट है ना, यहाँ पे भी ईयर मंथ्स है और यहाँ पे भी ईयर मंथ्स है। तो यहाँ पे देखो, या तो फिर आप लोग क्या करो, ये दोनों जो क्वांटिटीज है ना इसको कंप्लीटली ईयर्स में कन्वर्ट करो या फिर कंप्लीटली मंथ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अभी बहुत लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये देखो ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटी है, ये हमारा सेकेंड क्वांटिटी है, अब यहाँ पे भी ईयर ईयर है और यहाँ पे मंथ मंथ है, यानी कि ये दोनों जो क्वांटिटीज है इनका जो यूनिट है वो क्या है, सेम है,
ओके इनका यूनिट जो है वो क्या है, सेम है, हाँ ये बरोबर है, लेकिन क्या करना है ना हम लोग को, जब भी हम लोग क्या करते हैं दो क्वांटिटीज को रेशियो में लेते हैं ना, तो वो दो क्वांटिटीज का जो यूनिट है ना वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या है ईयर मंथ्स है, ईयर मंथ्स, ईयर मंथ्स, तो या तो फिर क्या करो ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है और ये जो सेकेंड क्वांटिटी है उसको कंप्लीटली ईयर में कन्वर्ट कर दो या फिर कंप्लीटली मंथ में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सोल्यूशन में बताती हूँ आपको क्या होगा, जैसे कि वी नो दैट कि वन ईयर मतलब क्या, वन ईयर मतलब 12 मंथ है ना, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे ये जो फर्स्ट क्वांटिटी और ये जो सेकंड क्वांटिटी है इनको कंप्लीटली मंथ में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीटली मंथ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि थ्री ईयर्स फोर मंथ्स मतलब कितना मंथ होता है, कंप्लीटली मंथ में कन्वर्ट करने वाले हैं, ओके तो वी नो दैट यहाँ पे आपको ये कन्वर्जन लगेगा, ये याद रखना है, क्या है कि वन ईयर मतलब 12 मंथ्स, ये तो सबको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, बरोबर, तो अब इसको देखो इसको हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, थ्री ईयर्स फोर मंथ्स का मतलब कितना मंथ होता है, लेट अस सी, तो थ्री ईयर्स फोर मंथ्स मतलब क्या, जैसे कि थ्री ईयर मतलब कितना मंथ, तो थ्री ईयर मतलब कितना मंथ, तो हम लोग को थ्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ठीक है, थ्री ईयर्स मतलब थ्री इंटू 12 मंथ्स, और प्लस हमारे पास क्या है और फोर मंथ्स है, तो प्लस हम क्या करेंगे फोर मंथ्स करेंगे, प्लस फोर मंथ्स करेंगे, ओके तो यानी कि थ्री 12 का मतलब 36, यानी कि थ्री इंटू 12 36, दैट इज 36 मंथ्स, इसका मतलब क्या पता है, ये थ्री ईयर का मतलब होता है, थ्री ईयर का मतलब होता है 36 मंथ्स, क्या होता है 36 मंथ्स, और हमारे 4 मंथ्स और हैं, तो 36 प्लस 4 यानी कि 36 प्लस 4 यानी कि हमारा ये हो जाएगा 36 प्लस 4 यानी कि 40 मंथ्स, क्या हो जाएगा 40 मंथ्स, यानी कि 3 इयर्स 4 मंथ्स का मतलब होता है 40 मंथ्स, इसको कंप्लीटली मंथ्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो, ठीक है, वैसे ही हम इसको करेंगे, इसको भी वैसे ही करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अभी हमारा क्या है 5 इयर्स एंड 8 मंथ्स, तो इसका मतलब कितने मंथ्स होते हैं, लेट अस सी, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, व्हाई, बिकॉज वी नो दैट 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, तो 5 इयर्स मतलब कितना मंथ, तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ठीक है, तो यानी कि 5 इयर्स मतलब कितना मंथ, तो 5 इंटू 12 मंथ्स यानी कि 60 मंथ्स होता है, ठीक है, 5 ईयर मतलब 60 मंथ, ओके तो 5 इंटू 12 मंथ्स और 8 महीने और है, तो प्लस 8 मंथ्स कर दो, प्लस 8 मंथ्स, तो यहाँ पे 5 इंटू 12 यानी कि 60 मंथ्स और प्लस आगे है हमारा 8 मंथ्स, तो यानी कि 60 प्लस 8 होगा 68 मंथ्स, ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड क्वांटिटी, ये फर्स्ट क्वांटिटी, देखो कंप्लीटली ये जो है वो सेम यूनिट में आ गए, ये फर्स्ट क्वांटिटी ये सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है, अब इनका रेशियो लेना है, दैट इज नाउ 40 अपॉन 68 है ना, ये रेशियो लिया, अब इसको क्या करो रिड्यूस फॉर्म में करो, रिड्यूस फॉर्म हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो रफली करो, ये 40 अपॉन 68 है ना, तो ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, कौन से टेबल में जाएंगे, देखो बड़ा नंबर ही लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कि 4 के टेबल में, बरूबर 4 वन ज़ा 4 2 बचेगा, 4 7 ज़ा 28, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 4 10 ज़ा 40, यानी कि 10 अपॉन 17 इज अवर आंसर, हो गया, कितना इजी है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, दैट इज 40 मतलब 4 टेन्स 40 होता है, और यहाँ पे 68 के जगह पे लिख सकते हैं 4 इंटू 17, बिकॉज 4 इंटू 17 होता है 68, वहां से पता चला ना हमको, तो ये 4 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा 10 अपॉन 17, तो ये हो गया हमारा रिड्यूस फॉर्म, समझा, तो हम लोग ने क्या किया, देखो हम लोग ने क्या किया, ये दोनों जो क्वांटिटीज थे उसको सेम यूनिट में सबसे पहले लाया और उसके बाद उसका रेशियो लिया और फिर उसका रिड्यूस फॉर्म निकाला, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से करना है, इजी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, चलो अब करते हैं हम लोग फिफ्थ वन इजी है, केजी ग्राम है, केजी और ग्राम का आपको कन्वर्जन पता होगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वांटिटी केजी में है, सेकेंड क्वांटिटी ग्राम में है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू व्हाट 1000 ग्राम, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब आपने बचपन में किया है,
तो ये बहुत बच्चे भूल चुके होंगे, ये सब आपको पता नहीं होगा. डोंट वरी, आई एम हियर टू रिमाइंड यू, तो टेंशन मत लो. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो हम क्या करेंगे, ये दोनों यूनिट को कम्प्लीटली ग्राम में करेंगे. एक तो ऑलरेडी ग्राम में है ही, इसको ग्राम में करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसका मतलब होगा कि 3.8 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम. तो 3.8 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से. ठीक है, तो 3.8 × 1000 ग्राम. तो लेट अस सी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या आंसर मिलेगा. इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको आंसर मिलेगा 3800. ठीक है, क्या मिलेगा, 3800 ग्राम. आप मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो 3.8 × 1000 है ना. तो यहाँ पे देखो 10 जो है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये फटाक से आंसर कैसे आता है. यहाँ पे देखो 10 जो है, ये 10 जो है वो इसके डेसिमल पॉइंट को हटाने में मदद करेगा. ठीक है, तो यानी कि 38 बन गया और ये 10 गायब हो जाएगा. ये 10 गायब हो गया. क्यों गायब हो गया, क्योंकि ये इस जीरो ने ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको हटा दिया. तो ये 38 हो गया इंटू यहाँ पे 100 बच गया. तो यानी कि 38 × 100 तो ईजी है, दैट इज 38 और 20 लगा दो. तो ये आंसर आ गया. तो ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है. ये सेकंड क्वांटिटी तो ऑलरेडी ग्राम में ही है, बस अभी ये दोनों का रेशियो निकालो और आपको आंसर मिल जाएगा. फिर उसका रिड्यूस फॉर्म निकाल लेना. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी इज. ठीक है, ऐसा सब आप सिस्टमेटिक लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो. रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी टू सेकेंड क्वांटिटी इज, फर्स्ट क्वांटिटी ये है. ठीक है, तो 3800 अपॉन सेकेंड क्वांटिटी है हमारी 1900. तो दैट इज इक्वल टू ये जीरो कैंसिल. एंड वी नो दैट 19 1 19 होता है, 19 2 होता है 38. यानी कि इसका रिड्यूस फॉर्म है 2/1. ओके, 2/1 इज द आंसर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलो लास्ट वन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो फर्स्ट क्वांटिटी मिनट सेकंड में है, सेकंड क्वांटिटी भी मिनट सेकंड में है. लेकिन आपको जैसे कि पता है यहाँ पे हमने किया था, या तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्वांटिटी को कम्प्लीटली मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे या कम्प्लीटली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. ओके, मतलब कि ये दोनों क्वांटिटीज को या तो कम्प्लीटली मिनट्स या कम्प्लीटली सेकेंड में कन्वर्ट करो, क्योंकि मिनट सेकंड नहीं चलेगा, एक ही यूनिट होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा, वी नो दैट कि 1 मिनट मतलब क्या, कन्वर्जन यूज होगा मिनट और सेकंड का. वी नो दैट 1 मिनट मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना बच्चा लोग, पता होगा ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे अभी हम लोग ये दोनों जो क्वांटिटीज है उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, वो ज्यादा ईजी है. तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7 मिनट्स और 20 सेकेंड्स का मतलब कितना होता है, कितना सेकेंड होता है. तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से. वाई 60 से, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो वैसे ही 7 मिनट्स मतलब कितना सेकेंड, तो 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से. ओके, तो 7 मिनट्स इज इक्वल टू 7 × 60 सेकेंड्स. और हमारे 20 सेकेंड्स है तो वो ऐड हो जाएंगे, तो प्लस 20 सेकेंड्स कर लेना, आगे लिख देना. ओके, अब सॉल्व करो इसको. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 420 सेकेंड्स. ओके, इसका मतलब 7 मिनट्स मतलब 420 सेकेंड्स, है ना. 7 × 6 = 42 और ये 0, और प्लस आगे है हमारा 20 सेकेंड्स. तो इसको ऐड करेंगे, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा ये 440 सेकेंड्स. ओके, तो इसका मतलब 7 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स मतलब 440 सेकेंड्स होता है. ओके, क्लियर है ये मिल गया फर्स्ट क्वांटिटी. अब सेकेंड क्वांटिटी भी सेम करेंगे हम लोग. तो अभी सेकेंड क्वांटिटी है हमारा क्या है, 5 मिनट्स, है ना. तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करते हैं 5 मिनट्स 5 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स है. तो अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से. तो 5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 × 60 सेकेंड्स, और आगे 6 सेकेंड्स है तो वो ऐड हो जाएगा, प्लस 6 सेकेंड्स. ठीक है, तो 5 × 60 मतलब 300. तो 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड्स होता है, और ये प्लस आगे हमारा 6 सेकेंड्स है. ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा. एक मिनट, हाँ चलो थोड़ा बहुत तो दिख रहा है. अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो 300 प्लस 6 होगा 360 नहीं, इसको अच्छे से करना, 300 प्लस 6 होगा 306 सेकेंड्स, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारी सेकेंड क्वांटिटी, ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी, ये हमारी सेकेंड क्वांटिटी। अभी इसका रेशियो लेंगे, चलो रेशियो लेते हैं। तो अभी नाउ रेशियो लेते हैं, तो 440 अपॉन 306। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, इसको अभी हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। 440 है और यहाँ पे 306 है, तो 2 के टेबल में करते हैं पहले। तो 2 वन सा 2 वन बचेगा, 2 फाइव सा 10, 2 थ्री सा 6, फिर यहाँ पे 2 टू सा 4, 2 टू सा 4 और 2 जीरो सा 0, ओके। अब ये दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 220 और 153 तो जाएगा 9 के टेबल में जाएगा। इसका रुको आंसर देखती हूँ, ये फर्दर डिवाइड होगे कि नहीं होगे, नहीं ये नहीं होगे क्योंकि इसका फाइनल आंसर यही है, 220 और 153, ये दोनों कोई भी सेम टेबल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा ये 2 × 220 होता है, यहाँ पे देखा था ना, 2 × 220 होता है 440, वैसे ही 2 × 153 होता है 306। तो ये टू कैंसिल, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, एक मिनट मुझे देखने दो दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 220 अपॉन 153, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। तो ये है हमारे पूरे 6 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टीचर जरूर आपके एग्जाम में डाल सकते हैं। प्लीज ये कन्वर्जन अच्छे से याद करके जाना, और कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लोग ये मिनट और सेकेंड्स को कंप्लीटली सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास परसेंटेज है, ठीक है। उस परसेंटेज को हम लोग को पहले तो रेशियो के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, उसके बाद उसका रिड्यूस फॉर्म निकालना है। तो यहाँ पे ऐसे भी परसेंटेज है जो ऑलरेडी रेशियो के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे कि देखो ये एक परसेंटेज है। मैंने आपको बेसिक वीडियो बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन जब किया था हमने इस चैप्टर का, तब मैंने आपको बताया था कि अगर एक रेशियो है और उसका जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, 100 है, देखो न्यूमरेटर में जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो सेकेंड टर्म होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा रेशियो है उसका अगर सेकेंड टर्म क्या है, 100 है, तो वो जो रेशियो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज। वो क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, 75:100, मतलब इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 75/100। तो ये जो रेशियो है इसका जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, 100 है, मतलब ये क्या है, एक परसेंटेज है। एंड ये क्या परसेंटेज है, ये है हमारा 75%, ओके। 75% मतलब कि अगर इसको हम लोग को रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये इसका रेशियो होगा, अगर इस रेशियो को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये इसका परसेंटेज होगा। वैसे ही 44/100 मतलब 44%, ओके, ये तो ऑलरेडी परसेंट में है, ओके, इसको पहले तो ये परसेंटेज में है ना, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इसका रिड्यूस फॉर्म निकालना, ओके। यहाँ पे देखो ये 52/100 मतलब 52%, ठीक है, वो मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि आपको ये समझ में आए कि परसेंटेज और रेशियो का क्या कनेक्शन होता है। तो जिस भी रेशियो में सेकेंड टर्म क्या है, 100 है, तो वो परसेंटेज में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके, वो क्या होता है, परसेंटेज में ही होता है, ओके। अगर सेकेंड टर्म 100 नहीं है तो मतलब वो परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं हो, मतलब वो परसेंटेज में नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके सेकेंड टर्म को हम लोग को 100 करना पड़ेगा, तब वो परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, टेंशन मतलब मैं बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे देखो 0.64%, मतलब इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.64/100,
ओके वैसे इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, 6.25% का सिंबल हट जाएगा और अपॉन आ जाएगा और 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इसको हमने रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ये ऑलरेडी रेशियो में, ये ऑलरेडी रेशियो में है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियोज इन द रिड्यूस फॉर्म, यानी कि परसेंटेज जो है उसको पहले रेशियो में लिखो फिर उसका रिड्यूस फॉर्म लिखो। ये तो ऑलरेडी रेशियो में है, ये ऑलरेडी रेशियो में है, ये परसेंटेज में था तो इसको पहले तो हम लोग ने क्या किया, रेशियो में लिखा, देखो रेशियो में लिखा, अब उसको रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे। ये तो ऑलरेडी रेशियो में है, ये परसेंटेज है लेकिन ये रेशियो में लिखा हुआ है, ओके ये परसेंटेज में है, इसका रेशियो लिखा, इसको हम लोग ने रेशियो में लिखा, अब इसका रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अगर देखो, अगर आपको सपोज करो ऐसा दिया है कि 55%, तो इसका मतलब होता है 55/100, ठीक है। वैसे अगर सपोज करो आपको दिया है 6.08%, इसका मतलब होता है 6.08/100, ये याद रखना। वैसे ही अगर सपोज करो आपको दिया है 42.5%, इसका मतलब होता है 42.5% का सिंबल हट जाएगा और अपॉन 100 आ जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसे होता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बेसिक बता दिया। चलो अभी ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिए है इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको रिड्यूस फॉर्म, उसका रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे। रिड्यूस फॉर्म तो पता ही है, हम लोग रिड्यूस फॉर्म ही कर रहे हैं कब से। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन, यहाँ पे दिए ऑलरेडी रेशियो में है, दैट इज 75/100। अब इसका रिड्यूस फॉर्म निकालते हैं, रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, देखो 25 × 3 होता है 75 और 25 × 4 होता है 100, है ना, आपको पता होगा। वरना आप क्या करो, छोटा छोटा नंबर लो और डिवाइड करो, जैसे कि ये दोनों 5 के टेबल में जाएंगे, जैसे कि 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, फिर 5 × 1 = 5, 2 बचेगा, 5 × 5 = 25, फिर 5 × 4 = हो जाएगा 20 और 5 × 3 = 15, यानी कि आंसर तो सेम ही आएगा ना, ऐसे करो या ऐसे करो। तो 3/4 इज द रिड्यूस फॉर्म, यानी कि ये देखो 25 कैंसिल, यानी कि आंसर हो जाएगा 3/4। तो ये जो हमारा परसेंटेज है इसका रिड्यूस फॉर्म है 3/4, ठीक है। वैसे यहाँ पे करेंगे अभी इसका रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे है हमारा 44/100, ठीक है। तो अब इसका रिड्यूस फॉर्म निकालते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो 2 × 22 होगा 44 और 2 × 50 होगा 100, है ना, आपको पता है। देखो 2 से डिवाइड किया है, बेसिकली कुछ नहीं किया, 2 से डिवाइड किया, देखो 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब देखो 22 और 50 कोई भी एक टेबल में नहीं आएगा, तो मतलब इसका जो रिड्यूस फॉर्म है वो है 22/50, यही है इसका रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। रिड्यूस फॉर्म नहीं, रिड्यूस फॉर्म ये कैसे हो सकता है, ये फिर से और फर्दर डिवाइड होगी ना, दोनों 2 के टेबल में जाएंगे, देखो 2 × 2 = 4, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 1 = 2 × 11/25 रिड्यूस फॉर्म होगा, सॉरी, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे 4 × 11 होगा 44 और यहाँ पे हो जाएगा 4 × 25 होगा 100, तो ये 4 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर होगा 11/25। देखो ऐसे भी कर सकते हो, या आप छोटा छोटा नंबर लेकर डिवाइड करके भी, आपको रिड्यूस फॉर्म तो मिलने ही वाला है, ठीक है। तो 4 के टेबल में दोनों जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई करके लिख दिया उनको, यानी कि 44 को देखो 44 के जगह पे 4 × 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 11 44 होगा, वैसे ही 100 के जगह पे 4 × 25 लिख सकते हैं, बराबर, क्योंकि 4 × 25 होगा 100, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 11/ ये 4 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 11/25, ओके समझ में आया। चलो अभी हम लोग करते हैं थर्ड वन, तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग करेंगे थर्ड वन के लिए स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने रफ कर दिया। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार बता देती हूँ, ये देखो ये परसेंटेज में है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे रेशियो में, तो 6.25% का मतलब होता है 6.25 और ये परसेंटेज का सिंबल हट के आ जाएगा अपॉन 100, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग ने रेशियो में एक्सप्रेस कर दिया, अब इसका रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको नीचे लेते हैं, इस रेशियो को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ना वो हमको दिक्कत दे रहा है, हमको ये डेसिमल पॉइंट को हटाना है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट का झंझट हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6.25 है ना इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 6.25 मल्टीप्लाई होगा 100 से तो हमारा आंसर हो जाएगा 625, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। ओके ये कैसे हटू,
ये कैसे हट गया, डेसिमल पॉइंट कैसे हट गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी हमको ये डेसिमल पॉइंट को हटाना है, या ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी हमको डेसिमल पॉइंट क्या करना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए 100, 10, 1000, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमको। अभी देखो, क्योंकि हमको ये डेसिमल पॉइंट को दो डिजिट क्या करना है, दो डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है ना, 6.25 है, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग को यहाँ से यहाँ लाना है। तो जब वो यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट हट गया, इसका डेसिमल पॉइंट हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी नहीं, पॉइंट के बाद अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है, बरोबर। तो यानी कि हमको ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको टू डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो मैंने क्या बोला, जब भी पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना रहेगा तो मल्टीप्लाई करो आप लोग, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10, 100, 1000, 10,000। अभी यहाँ पे हम लोग को कितने डिजिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट करना था, दो डिजिट से शिफ्ट करना था ना, सिर्फ दो डिजिट से हमको शिफ्ट करना था, वन डिजिट टू डिजिट, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, क्योंकि 100 में दो जीरो है। अगर हमको वन डिजिट से शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो, क्योंकि 10 में 1 0 होता है। अगर हमको तीन डिजिट से शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना, ऐसे, क्योंकि 1000 में 3 0 होते हैं, ऐसे। और एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर हमको पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो डिवाइड करने का किससे, 10, 100, 1000 से। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को तो डिवाइड करने का, राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई करने का, ये याद रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया, लेकिन देखो अगर हम लोग ने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो बैलेंस करने के लिए हमको डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग, ये ऑलरेडी 100 था लेकिन फिर भी हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना, हमको बैलेंस करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 6.25 × 100 हो जाएगा 625। इसका डेसिमल हटाने के लिए ही तो हमने ये 100 से मल्टीप्लाई किया ना बच्चा, ओके। और अपॉन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 100 × 100 को ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई मत करो, क्यों बताती हूँ, रुको बताती हूँ क्यों नहीं करना है। अब इसको डिवाइड कर लो ना, यहाँ पर ही डिवाइड कर लो, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 25 जा होगा 625 और 25 4 जा होगा 100, वैसे यहाँ पे 25 1 जा 25 और 25 4 जा होगा 100, यानी कि न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 बचा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, 4 × 4 क्या होता है, 16, यानी कि देखो ये हो गया हमारा रिड्यूस फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस फॉर्म, समझा कि नहीं। ये थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, मैं जो बता रही ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, क्या बोला है यहाँ पे, रिड्यूस फॉर्म निकालना है ना, तो हमारा जो रेशियो है वो क्या है, 625 अपॉन 100 × 100। तो हम लोग डिवाइड करेंगे अभी इसको, बड़ा नंबर ही लो ना, छोटा छोटा नंबर लेके टाइम पास मत करो, जैसे कि वी नो दैट 25 4 जा 100, 25 25 जा 625, फिर अगेन, अब ये दोनों तो डिवाइड नहीं होंगे, तो ये दोनों को कर लेते हैं, 25 1 जा 25 25 4 जा 100। अब देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 है, अपॉन डिनोमिनेटर में 4 × 4 क्या होगा, 16, तो ये हमारा रिड्यूस फॉर्म हो गया, समझ में आया। ये पॉइंट वाला एक और एक क्वेश्चन होगा, तब मैं आपको, रुको, और अच्छे से बताऊंगी ये मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट को हटाना था, और डेसिमल पॉइंट को अगर हमको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 10, 100, 1000, 10,000, ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने डिजिट से हमको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। यहाँ पे दो डिजिट से हमको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 100 में दो जीरो होते हैं, तो ये दो जीरो हमारी मदद करते हैं ये पॉइंट को हटाने में। तो अगर हमने न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी हमको जबरदस्ती का 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस, वी कांट चेंज अवर क्वेश्चन, हम खुद के मर्जी से कुछ डाल नहीं सकते, इम्बैलेंस नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बैलेंस इट, ओके, समझ में आया। चलो अब हम करते हैं फोर्थ वन, मैं ये दोनों लव करने वाली हूँ, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे देखो जो फोर्थ वन है वो तो इजी है, ऑलरेडी हमारा रेशियो है, ठीक है, रेशियो क्या है हमारे पास, 52 अपॉन 100, इसका रिड्यूस फॉर्म निकाल दो, इसका रिड्यूस फॉर्म निकाल देते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, फोर, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 4 4 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, फिर 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 3 जा 12, ओके। तो यहाँ पे देखो 13 और 25 आया,
13 और 25 कोई भी दोनों, ये दोनों नंबर्स एक टेबल में नहीं जाते, मतलब यही रिड्यूस फॉर्म हो गया। तो ऐसे लिख सकते हो आप 4 इंटू 4 13 जा 4 13 जा 52 होगा और यहाँ पे 4 25 जा 100 होगा, है ना। तो ये 4 कैंसिल, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 13 अपॉन 25। तो ये हो गया हमारा रिड्यूस फॉर्म, इजी। चलो यहाँ पे देखो पॉइंट वाला आया, सेम ऐसा वाला आया, तो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे। तो 0.64 परसेंटेज का मतलब होता है 0.64, ठीक है, 64 मत लिखना, 0.64 ही लिखना वरना मार खाओगे। तो 0.64 और ये परसेंटेज में है तो इसको रेशियो में करना है, तो अपॉन 100, ओके। और फिर यहाँ पे परसेंटेज मत लिखना वरना फिर से मार खाओगे। ये जो ये देखो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है और ये रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो तो यूनिट लेस होता है ना बच्चा लोग, यूनिट लेस है। तो परसेंटेज का सिंबल हटा दो, इसको रेशियो में कर दो, रेशियो में करना है तो अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि जो सेकेंड टर्म होगा वो 100 होगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये रेशियो मिल गया, अब इस रेशियो का रिड्यूस फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे भी देखो हमको क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। अब कितने डिजिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, 2 डिजिट, है ना। यहाँ पे देखो ये 0.64 है तो 1 डिजिट 2 डिजिट, जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.64 मतलब 64 ही होता है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट के आगे क्या है, 0.00, तो उसका कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद 0 कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब 64 मतलब कि हमको ये पॉइंट को 2 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। तो राइट हैंड साइड शिफ्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं और हमको 2 डिजिट से शिफ्ट करना है। तो 0.64 इंटू 100, ठीक है, अपॉन, क्योंकि अभी हमने ऊपर न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी जबरदस्ती का 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू बैलेंस, हमको इम्बैलेंस नहीं करना है, ओके, वरना इम्बैलेंस करोगे तो टीचर हमको इम्बैलेंस कर देगी, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 64, आप बंद करके 64 लिख दो, डेसिमल पॉइंट हट गया, डेसिमल पॉइंट हट गया मतलब 0.64 है, इसका डेसिमल पॉइंट हट गया मतलब 0.64 होगा, 0.64 मतलब 64 ही होता है ना बच्चा, ये जीरो आगे डाल के क्या करोगे तुम लोग, 64 ही होता है, ओके। अब देखो 640 हो तो बात अलग है, वो 640 होगा, अब 0.64 मतलब 64 ही होता है ना, तो 64 अपॉन में क्या है हमारा 100 इंटू 100 है, ठीक है। अब बस इसको अच्छे से डिवाइड करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग इसको, 4 4 के टेबल से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 425 जा 100 होता है ना, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, और यहाँ पे भी 4 से करते हैं, दैट इज, ऐसे ऐसे डिवाइड मत करना, ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, कुछ बच्चों को ज्यादा अक्कल आती है तो वो क्या करते हैं, ये 100 ये 100 कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं ये दोनों डिवाइड में नहीं है, ये डिवाइड्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे हमने 4 का टेबल यूज किया, ऊपर भी 4 का टेबल यूज करेंगे, दैट इज 4 1 जा 4, 2 बचेगा, तो 4 6 जा 24। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो अभी एक टेबल में नहीं जाएंगे, तो ये दोनों को करेंगे, तो ये दोनों को हम लोग करते हैं फिर से 4 से, तो 4 25 जा 100, फिर 4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारा। अब देखो 4 और 25 दोनों एक टेबल में नहीं जाएगा, 4 और 25 भी एक टेबल में नहीं जाएगा, मतलब यही रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा। क्या रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा, न्यूमरेटर में देखो 4 है अपॉन डिनोमिनेटर में है 25 into 25, मतलब 625, तो 625, ठीक है, यानी कि 4 upon 625 इज अवर रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया फिर से बताती हूँ। देखो 64 है ऊपर, नीचे है 100 into 100, तो सबसे पहले आपको अगर 2 2 के टेबल से डिवाइड करना है तो भी चलेगा, मैं डायरेक्टली 4 से कर रही हूँ, ठीक है, तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, अब ऊपर भी 4 से ही करना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 24। अब देखो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि 16 और 25 दोनों एक टेबल में नहीं आता है, ये दोनों हो गए क्योंकि ये दोनों देखो 4 के टेबल में ये भी जाता है ये भी जाता है, तो अगेन 4 2 जा 8, 2 बचेगा, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16। अब ये 25 ये 25 ऐसे कैंसिल मत करना बच्चा लोग, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो अब ऊपर 4 है तो 4 लिख दिया, 25 into 25 होगा 625, तो ये रिड्यूस फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये रिड्यूस नहीं होंगे,
ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना, देखने में थोड़ा इजी लगता है या बहुत बच्चों को हार्ड भी लग रहा होगा, लेकिन लिखो, क्योंकि लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा। प्लीज जरूर 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 लिखो, ठीक है। अब हम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे, ठीक है, और आगे के जो और 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, पूरे प्रैक्टिस सेट में से यही ऐसा क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मैंने आपको देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कराते टाइम बताया था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, बरोबर। प्रोपोर्शन 2 टाइप्स के होते हैं, तो नंबर 1 होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नंबर 2 होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, वो मैंने ऑलरेडी समझाया है, ओके। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, टेंशन मतलब फिर से बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, देखो, 3 persons can build a small house in 8 days, to build the same house in 6 days, how many persons required? यानी कि यहाँ पे देखो एक स्मॉल हाउस है, एक हाउस है, ओके, एक हाउस है। इस हाउस को देखो, ये हाउस है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है कि 3 persons, ओके, 3 persons जो है वो ये स्मॉल हाउस को 8 दिन में क्या कर सकते हैं, 8 डेज में क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ओके। और हमको क्या फाइंड करना है, क्या बोला है, टू बिल्ड द सेम हाउस, यानी कि ये सेम हाउस को बिल्ड करने के लिए 6 डेज में, ठीक है। अगर ये सेम हाउस को हमको 6 डेज में बिल्ड करना है तो उसके लिए कितने नंबर्स ऑफ पर्संस लगेंगे, कितने नंबर ऑफ पर्संस लगेंगे। क्वेश्चन समझा कि नहीं? देखो, ये स्मॉल हाउस है, इस हाउस को 3 पर्संस, यानी कि 3 लोग जो है, इस हाउस को 3 लोग जो है वो 8 दिन में क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो ये सेम हाउस को अगर हमको 6 दिन में क्या करना है, बिल्ड करना है, तो इसके लिए कितने नंबर ऑफ पर्संस लगेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, द नंबर ऑफ पर्संस एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। यानी कि ये जो नंबर ऑफ पर्संस है और जो नंबर ऑफ डेज लगते हैं ये हाउस को बिल्ड करने के लिए, ये जो दोनों क्वांटिटीज है वो इनवर्स प्रपोर्शन में है। इनवर्स प्रपोर्शन मतलब क्या, कि अगर एक क्या हो रहा है, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। यानी कि वो दोनों क्वांटिटीज क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन में। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने ज्यादा पर्संस बढ़ जाएंगे, यानी कि जितने ज्यादा पर्संस होंगे उतने जल्दी ये घर क्या होगा, बिल्ड होगा, है ना। अगर नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज हो गए, उतने जल्दी ये घर क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा बिल्ड करके। वैसे ही अगर नंबर ऑफ पर्संस क्या हो जाएगा, सपोज करो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस कम हो गए, तो मतलब इस घर को बिल्ड करने के लिए ज्यादा दिन लगेंगे, है ना। तो मतलब कि अगर क्या हो रहा है, देखो इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या, अगर एक बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, या फिर पहली क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हम बोलते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन में। तो यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन है ना, कि नंबर ऑफ पर्संस जो है और नंबर ऑफ डेज जो लगते हैं उस घर को बिल्ड करने के लिए, ये इनवर्स प्रपोर्शन में है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, जितने नंबर ऑफ पर्संस बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ पर्संस इंक्रीज होंगे, उतना जल्दी ये घर बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि देखो काम वाले ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब कि वो बहुत ज्यादा पर्सन होंगे तो वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, पर्सन भी इंक्रीज हो जाएंगे, और मतलब कि हेल्प हो जाएगी कि ज्यादा पर्सन मिलके काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ये घर बढ़ जाएगा। तो जब भी दो क्वांटिटीज क्या होती है, इनवर्स प्रपोर्शन में होती है, तो वी नो दैट कि उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। देखो हमने किया था, ये सब किया हुआ है, तो यानी कि देयरफॉर वी कैन से कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड नंबर ऑफ डेज इज कॉन्स्टेंट। यानी कि नंबर ऑफ पर्सन और जो नंबर ऑफ डेज लगते हैं उनको बिल्ड करने के लिए, इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मतलब इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इनका भी जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। कॉन्स्टेंट होगा मतलब
इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके मदद से ही हम क्या करेंगे, ये फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्संस लगेंगे अगर हमको क्या करना है, ये घर को 6 दिन में क्या करना है, बिल्ड करना है। देखो 3 पर्संस, 3 लोग ये घर को 8 दिन में क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गए, मतलब इसको इस घर को 6 दिन में ही क्या करना है, बिल्ड करना है। तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लगेगी। अगर इसको कम समय में क्या करना है, कम समय में इसको बिल्ड करना है तो मतलब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लगने वाले हैं, ये तो गारंटी है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 3 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो जब भी 2 क्वांटिटीज क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है वो कांस्टेंट आता है। मतलब ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा और यहाँ पे ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हम लेट ले लेते हैं, यहाँ पे हमको पहले तो लेट लेना पड़ेगा। लेट एक्स पर्संस आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज, यहाँ पे हम लोग को लेट लेना पड़ेगा। तो हम लेट ले लेंगे कि लेट एक्स पर्संस रिक्वायर्ड, यानी कि एक्स पर्संस लगते हैं ये हाउस को बिल्ड करने के लिए 6 डेज में। तो दैट इज, हम यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, इक्वेशन जो होगा यहाँ पे, पहले तो आप लोग ऐसे सब लिखना, ठीक है। लेट एक्स पर्संस रिक्वायर्ड टू बिल्ड द हाउस इन 6 डेज, टू बिल्ड द सेम हाउस, ओके, टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डेज। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इनका प्रोडक्ट बराबर, 3 पर्संस जब ये हाउस को बिल्ड करते हैं तो कितने दिन में बिल्ड करते हैं, 8 दिन में बिल्ड करते हैं। एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू, तो एक्स पर्संस अगर हम लोग को लग रहे हैं ये हाउस को बिल्ड करने में, तो वो एक्स पर्संस कितने दिन में ये हाउस को बिल्ड कर देते हैं, 6 डेज में। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कॉन्स्टेंट होगा, मतलब इक्वल होगा दोनों का प्रोडक्ट। बस इसको सिंप्लीफाई करो और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स को यहाँ पर ही रखेंगे और 3 × 8 है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करना तो कर लो, नहीं करोगे तो ऐसे ही रहने दो। ये मल्टीप्लाई में 6 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 6, दैट इज 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी कि x की वैल्यू मिली 4। x की वैल्यू क्या मिली, 4, यानी कि 4 पर्संस लगेंगे, यानी कि 4 पर्संस लगेंगे अगर हमको ये घर को 6 दिन में क्या करना है, बिल्ड करना है। तो इनका प्रोडक्ट देखो, 4 × 6 = क्या होगा, 24 होगा, और यहाँ पे देखो 3 × 8 = भी क्या होगा, 24 होगा। तो जब भी दो क्वांटिटीज जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए था। तो वही लिखा है कि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। तो ये कंडीशन का हमने यूज किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब समझ रहा है ना, कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब दे दो, बोथ द क्वांटिटीज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और वी कैन ऑल्सो से कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और उसके कंपैरिजन में दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है तो भी वो क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन में होगी। मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन का चक्कर है, ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए 4 क्वेश्चंस इनाफ है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 4 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 के, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।